हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल है ए टू जेड करियर्स जीके ट्रिक्स। सर्च बॉक्स में डालिए ए टू जेड करियर्स जीके ट्रिक्स, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल वाला आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मौर्य डिनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 350 ईसा पूर्व में, यानी 350 बीसी में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन दिया गया है? विशाख दत्त के ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का ग्रंथ था। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में। अशोक के शिलालेख के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा यूज की गई थी? प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने। प्राचीन भारत का कौन सा शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व में की गई थी। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? चाणक्य ने की। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पाणक। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? अशोक ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से ये बात पता लगी थी। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भानु स्तंभ। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? अर्थशास्त्र में। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है? चुनार से। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है? आषाढ़ जुलाई में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? सेल्यूकस से। और सिकंदर की पोरस से लड़ाई हुई। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया था? तारानाथ ने। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए थे? 1837 में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ। प्राचीन काल में कलिंग का मान शासक कौन था? खारवेल। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? मा छत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। किस राजा देश में अशोक के व्यक्तित्व नाम का उल्लेख मिलता है? मस्की अभिलेख में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? उज्जैन। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? अशोक ने। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में एक रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मगधी का।
बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला।